हेलो, मैं हूँ चंदन कुमार और आप देख रहे हैं चैनल वर्ल्ड वाइड वेब साइंस एंड मैथमेटिक्स सेंटर। इस वीडियो में जो बताएंगे वो वॉइस चेंज का नियम बताएंगे, और वॉइस चेंजिंग का जो नियम है वो होगा दूसरा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहला बता दिए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और इसमें बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो ये वॉइस चेंज करना है किसे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो इसका जो मेन फॉर्मूला है वो है ये वाला कि आई एम इज आर प्लस बींग प्लस वी थ्री। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस दिया हो और एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में उसको बदलना हो, तो आई एम इज आर प्लस बींग प्लस वी थ्री करके और बाय प्लस एजेंट करके उसको बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक बता देना चाहते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर आई होगा तो मी हो जाएगा, फिर यू होगा तो यू ही रह जाता है, यू का यू। वी रहेगा तो वी आवर आवर्स तो आस हो जाएगा। ही रहेगा तो ही धेज हिम हो जाएगा। अगर सी रहेगा तो सी हर हर्स हर हो जाएगा। अगर इट रहेगा तो इट का इट ही रह जाता है, इट इट्स नो चेंज इट। और दे का देम हो जाएगा, दे दिया दियर्स देम, तो ये देम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसमें ऑब्जेक्ट, अगर इसमें सब्जेक्ट है तो इसमें ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये याद रखना जब वॉइस चेंज करेंगे। तो ये सबसे मेन फार्मूला हो गया। अब एक्टिव वॉइस में कह रहा है आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूँ। तो इसका जब बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो ये हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो इधर आएगा तो सब्जेक्ट, तो ए मैंगो इज, इज बींग। ए मैंगो सिंगुलर है तो इज होगा, और इज के बाद बींग लगाना है तो बींग लगा दो। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाना था, इट का इटेन हो जाएगा और बाय प्लस एजेंट, तो बाय और आई है तो नी हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एक्टिव वॉइस में दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वे लोग गीत गा रहे हैं, तो ये हो जाएगा सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स आर बींग सॉन्ग बाय देम। अब एक चीज यहाँ पे बता दे कि ये जो बाय प्लस देम लगाए हैं ये एजेंट में इसको लिखेंगे फिर भी, ना लिखेंगे फिर भी दोनों में नियम में सही हो जाएगा। अगला है कि ही इज हेल्पिंग हिज मदर, वह मदद कर रहा है उसकी माँ को, तो क्या कर देंगे हिज मदर से बनाएंगे, तो हिज मदर इज बींग हेल्प्ड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि सी इज वेक्सिंग मी, वह मुझे तंग कर रही है, तो मी का हो जाएगा आई, तो आई एम बींग वेक्स्ड बाय हर, तो मी का आई हो जाएगा, आई के साथ आम होगा, बींग सब में लगाना है तो बींग हो जाएगा, तो आई एम बींग, और भव का तीसरा रूप हो जाएगा तो वेक्स का वेक्स्ड और बाई सी का हर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दे आर डूइंग इट, दे आर डूइंग इट, ठीक, वे लोग कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग इट इसे कर रहे हैं, तो इट से बना लेंगे तो इट इज बींग डन बाई देम। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज, तो द ओल्ड ट्रीज से बनाएंगे, तो द ओल्ड ट्रीज आर बींग कट का तीसरा रूप, कटिंग का तीसरा रूप कट हो जाएगा, तो कट बाय देम। इस तरह से ये जो हो गया ये पर दूसरा जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का नियम है। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। सो इस तरह से ये जो दूसरा टेंस था ये दूसरा टेंस हो गया। अब अगले वीडियो में इसका जो अगला टॉपिक होगा तीसरा टेंस, या इसका इससे रिलेटेड एक्सरसाइज होगा, वो सभी फिर अगले क्लास में बताएंगे। जैसे ये तो थ्योरी हो गया, अब इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज आएगा उसको बनाने का अभ्यास कराएंगे, तो अगले क्लास में इसको बनाने का अभ्यास करा देंगे। अभी इतना एग्जाम्पल दिए हैं, और इसका एक फार्मूला है जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक फार्मूला है कि आई एम इज आर प्लस बींग प्लस वी थ्री। पिछले वीडियो में जो बताए थे वो प्रेजेंट टेंस का था, प्रेजेंट टेंस में था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे उसको, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो उसका था कि आई एम इज आर और प्लस वी थ्री था। ठीक, और इसमें क्या है एक चीज़ बढ़ गया एक्स्ट्रा, बींग प्लस वी थ्री करके, तब बनाना। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही रहने दें, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले क्लास में, तब तक इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।